नेतरहाट में 3 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक बंधु तिर्की समेत अन्य कांग्रेसी नेता नेतरहाट जाने के क्रम में घाघरा और बिशुनपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस मौके पर घाघरा एवं बिशुनपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बिशुनपुर में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक बंधु तिर्की को कांग्रेस अध्यक्ष महावीर उरांव, पूर्व अध्यक्ष भदेश्वर उरांव एवं बसंत तुरी, वरिष्ठ कांग्रेसी प्रेम कुमार दत्ता, राम जतन साहू, रवि लोहरा, नंदलाल महतो, फिलिप तिग्गा समेत अन्य कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा कार्य सिर्फ एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करना और राज्य की दशा और दिशा में निरंतर सुधार करना प्राथमिकता होगी। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नेतरहाट में होने वाले 3 दिवसीय चिंतन शिविर में झारखंड के सभी वर्तमान विधायक, सांसद और कांग्रेस के शीर्ष नेतागण उपस्थित रहेंगे, जहां पर संगठन को सशक्त बनाने पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस दौरे से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई। घाघरा से पंकज कुमार और बिशुनपुर से भरत कुमार की यह रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहुत संजीदा है और हम लोग ये जानते हैं कि हर चीज में जो 27% का आरक्षण मिलना है वो मिलना है, लेकिन वो अभी जो निर्देश आया है उस पर चुनाव आयोग ही विचार कर सकता है, उसमें अभी हम कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर सकते। सर, भाषा को लेकर अभी पूरा कहीं कहीं बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, सर उसमें क्या करना है? बिल्कुल, हम लोग अभी चिंतन शिविर लगाने जा रहे हैं, उसमें सारी बातें खुल के होंगी कि कहां ये भाषा का विवाद कैसे हुआ है और कैसे इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसको सभी लोगों से राय लेकर के, और हम लोगों ने वहाँ भी चर्चा की है, दिल्ली में भी भाषा पर चर्चा हुई है और हम उसके प्रति संजीदा हैं। जन भावनाओं के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं है। इंटरफीयर का बहुत सारी बातें हैं जिन उद्देश्यों को लेकर के हम सरकार बनाए थे और जो हम मैनिफेस्टो में, एजेंडा में अपना वादा किए थे वचन पत्र में, तो हमें लगता है कि उन चीज़ों पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं हम उन चीज़ों से भटक तो नहीं गए हैं, उस पर चिंतन करना और सरकार को बताना है कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जो हमने न्यूनतम वादे किए हैं उन वादों पर कैसे खड़ा उतरे, उसके लिए हम लोग चिंतन शिविर करेंगे और उसमें सारी बातें तय होंगी। तमाम जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं, AICC के मेंबर्स हैं और बाकी सारे लोग हैं, उन सब लोगों को बैठ करके चिंतन करेंगे कि राज्य का तेज गति से कैसे विकास हो, राज्य कैसे शांतिपूर्ण तरीके और सद्भाव के साथ चले, उन सारी बातों पर चर्चा होगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।